हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी। मैं हूं आप लोगों का दोस्त प्रणव। ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो मेनली जो आईफोन यूजर्स है, आईओएस लवर्स है, उन लोगों के लिए है। जो लोग आईफोन यूज कर रहे हो उन लोगों के लिए है। यहाँ पे क्या है, पहले जो है 17.5 चल रहा था ना, ये जो 17.5 है उस अपडेट से अभी 17.6 आया है। कई लोगों के मन में सवाल होगा कि बैटरी डिग्रेड हो रहा है अनयूजुअली, जो है एबनॉर्मल कुछ अब ग्लिचेस आ गया या फिर नहीं, वो सब मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे वीडियो आप लोग देख लो थोड़ा कि इस अपडेट का प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लेता है। ये अपडेट मेनली 30 मिनट्स अराउंड ले लेगा। हाँ भाई, 30 मिनट, 25 to 30 मिनट ये ले लेगा अगर आपका सब कुछ ठीक है तो। और फोन में मैं रिकमेंड करता हूं, अगर कोई डेटा है तो वो डेटा बैकअप ले लीजिए या फिर कहीं पर रख लीजिए। और स्मार्टफोन में ना कम से कम आपका आईफोन जो है, आईफोन में 50% के ऊपर चार्ज रख लीजिए, उसके बाद अपडेट कीजिए। ये अपडेट अराउंड 800 MB का आया था, अराउंड 800 MB का आया था, तो मैंने कर लिया। पहले हमने ये आईफोन 13 जो है इसमें किया, उसके बाद हमने चेक किया कि यहाँ पे कोई ग्लीचेस या फिर बग्स जो है एबनॉर्मल वो सब दिख रहा है या फिर नहीं। उसके बाद हमने अपडेट किया कुछ 3 या 4 दिन बाद जाके, शायद आज के डेट में किया 12 मिनी में। तो अभी आप लोग देख सकते हो मेरे यहाँ पे जो स्मार्ट मेरा आईफोन है, यहाँ पे 17.6 का अपडेट ऑलरेडी आ चुका है। अगर इसका नया फीचर्स के बारे में पूछो तो ऐसा कुछ मतलब चेंजेस नहीं है, ये बस एक नॉर्मल बग फिक्स है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा आपको अलग से कुछ प्रॉब्लम भी नहीं देखने को मिलेगा, सब कुछ बैलेंस है। आप चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा कि ये अपडेट में क्या है, क्या नहीं है, किस तरह से करना है, क्या करना है। बाकी आप लोगों ने देख भी लिया, मैंने अपने एक डिवाइस में आप लोगों के सामने अपडेट किया और एक डिवाइस जो है उसमें आप लोगों के सामने नहीं किया था, क्योंकि मेरे को कुछ टेस्ट करना था कि सब ठीक है कि नहीं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया, ऐसा छोटा सा हेल्पफुल वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। और आपको कमेंट में अगर कुछ बोलना है, आपको कुछ दिक्कत है, वो भी बोल सकते हो। यहाँ तक वीडियो को खत्म करते हैं, धन्यवाद।